हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौसाद है और मैं यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है जिसमें मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताऊंगा। दोस्त, प्रैक्टिकल नॉलेज में मैं बताऊंगा कुछ भी ISO के अंडर में कैसे काम किया जाए, क्या उसका स्टैंडर्ड होता है उसके बारे में बताऊँगा, कैसे GRN करना होता है, कैसे MRN करना होता है, क्या उसके प्रोसेस है, मटेरियल इनवर्ड या आउटवर्ड हो रहा है, कैसे उसका RGB NRGB बनाना है उसके बारे में बताऊंगा, आपको इंडेंट जनरेट करना है, इंडेंट रेज करना है, आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपको एक मेल किया है, कैसे उस मेल का रिवर्ट करना है, कैसे उसका रिक्विजेशन फॉर्म बनाना है, एक्सेल फॉर्मेट क्या होता है, वो कैसे प्रिपेयर करना होता है उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। लिमिट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी फैक्ट्री या कंपनी या आपका गवर्नमेंट सेक्टर कुछ भी हो सकता है, कॉरपोरेट सेक्टर भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री स्टॉक या वेयर हाउस हर किसी के यहाँ हर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और उसकी लिमिट क्या है दोस्त, उसके बारे में मैं बताऊँगा क्या प्रोसेस होते हैं। उसके बाद ऑडिट क्या होता है, ऑडिट कैसे होता है, कैसे उसका प्रिपरेशन करना होता है, कैसे उसके फॉर्मेट होते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। इन्वेंट्री कैसे, इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना होता है उसके बारे में बताऊंगा। और एक स्टोर या वेयर हाउस को कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, क्या उसके प्रोसेस हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आपने किसी पार्टी को परचेज ऑर्डर प्लेस किया है, मटेरियल आया नहीं है, ऑर्डर आपका निकला हुआ है, तो उसको कैसे आपको मेल करना होता है, कैसे उसको फॉलोअप करना होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिजेक्शन क्या होता है, कैसे उसको चेक करना होता है, आपका इन्वेंट्री में जो डैमेज मटेरियल या प्रोडक्ट है उसको कैसे रिकॉर्ड रखना है, क्या उसका फॉर्मेट है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। मटेरियल अगर आपको शॉर्ट रिसीव हो जाता है अकॉर्डिंग टू बिल, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, या आपको एक्सेस मटेरियल शॉर्ट हो गया या एक्सेस हो गया, आपको क्या फॉर्मेट है, कैसे उसका मेल करना होता है, क्या उसका प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन्वेंट्री की हाउसकीपिंग, क्लीनिंग उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग क्या होती है, कैसे वो रिसीव होती है, कैसे उसका मेल करना होता है, कैसे उसको ऑब्जर्वेशन किए करना होता है, क्या उसका कैलकुलेशन होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बिल्स ऑफ मटेरियल बॉम्ब, जिसे बॉम्ब बोलते हैं, बॉम्ब इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बॉम्ब क्या होता है, कैसे उसको प्रिपेयर करना होता है, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, कैसे उसकी कॉस्टिंग निकाली जाती है, वो भी मैं आपको बता। मेल को कैसे मेल करना होता है, कैसे उसका रिवर्ट, आपके पास कोई स्टॉक मैनेजमेंट का मेल आता है, कैसे उसको रिवर्ट करना है, क्या उसके प्रोसेस हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं। और भी दोस्त बहुत सारे टॉपिक हैं, एक्चुअली मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, मैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में या कॉरपोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में दोस्त बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। मैं सारे डिपार्टमेंट को वन टाइम में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, मैं एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसका प्रॉपर प्रोसेस, उसका प्रॉपर फॉर्मेट बताऊँगा आपको बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये आपके काम में इजी और स्मूथली लाएगा, ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। हर एक छोटे से लेकर के हर एक बड़े डिपार्टमेंट में कैसे उसमें काम करना होता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्या ड्यूटी होती हैं, कैसे उसको ट्रांसपेरेंटली करना होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताऊँगा कि प्रैक्टिकली इसको किया कैसे जाता है। QC डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, डिजाइन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, स्टोर वेयर हाउस कैसे मेंटेन करना होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट कैसे काम करना होता है, एक या फैक्ट्री या कंपनी को कैसे ऑर्गेनाइज या कैसे मैनेजमेंट करना होता है,
ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या होता है, एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा कैसे 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 बाय फॉर्मेट बाय प्रैक्टिकली।